ओलंपिक खेलों की ज़रूरत हमें है, पूरी दुनिया को है, कल भी थी, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगी। ओलंपिक वो सबसे बड़ा कैथारसिस, एक रेचन का माध्यम है जहाँ पे सभी देशों को कम्पीट करना चाहिए, फियर्सली कम्पीट करना चाहिए। और ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी जो भी ऊर्जा है, जो भी जो फाइटिंग स्पिरिट है, वो आप बिना तलवार उठाए, बिना गन उठाए, यहाँ पे आप ओलंपिक में लड़ सकते हैं। लड़िए यहाँ पे, गन के यहाँ पे भी स्पोर्ट्स हैं, तलवारबाजी के यहाँ पे भी स्पोर्ट्स हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जिसने बहुत हद तक दुनिया को विनाश से कई सालों से बचा कर रखा है। क्या आपने लक्ष्य सेन का वो जो जोनाथन क्रिस्टी के साथ खेले थे, 8-2 से पीछे थे, उसके बाद उन्होंने कमबैक किया, वो शॉट देखा था पीछे से जो उन्होंने जो वो शॉट मारा था? इसी ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक में आपने जेंग जिंग का वो मैच देखा है, 58 ईयर्स की हैं वो, और वो 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक में भाग नहीं ले पाई थी, उनके बाद उन्होंने क्विट कर दिया था, चाइना से हैं, फिर वो भी चिलियन नेशनलिटी में खेल रही हैं लॉकडाउन में, उन्होंने फिर से स्टार्ट किया और 58 ईयर्स की एज में उन्होंने स्टार्ट किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। और जो नाडा हाफिज़ जो है, जो सर्वमान्य प्रेग्नेंट है, वो फेंसिंग में इस बार खेली। तो ये ऐसे ऐसे उदाहरण हैं इस खेल में। एक यूसुफ डिके की अभी अभी काफ़ी चर्चा हो रही है, इंटरनेट पे सेंसेशन बने हुए हैं वो। तो ये ओलंपिक खेल ही है जो मानव जाति के इतिहास का जो सबसे बड़ा जो जो बड़े से बड़े जो मोटिवेटिंग केसेस होते हैं वो हमें ला कर देता है। तो एक ऐसे माध्यम को दुनिया के सभी देशों को पूरे पैशन के साथ ये खेलना चाहिए। और ये एक मैसेज जाना चाहिए कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप गन उठा के वॉर कीजिए एक दूसरे से, क्योंकि हिंसा की प्रवृत्ति तो है लोगों में, है ग्रुप ऑफ पीपल में है, सिविलाइजेशंस में है, हमेशा एक दूसरे से आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा। लेकिन उस कंपटीशन को एक हेल्दी रूट देना, वो ओलंपिक खेल इसका काम करती है।